नमस्कार, न्यूज ब्रॉडकास्ट 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ करण खुराना। इस वक्त आपको एक बड़ी खबर से रूबरू करवा दूं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल को पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट से मिली राहत, चुनाव में गड़बड़ी की याचिका खारिज। जी हां, ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है। साल 2019 में उनके विधानसभा चुनाव को रद्द करने की याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी है। बता दें, ये याचिका मुख्यमंत्री मनोहर लाल के खिलाफ चुनाव लड़ने वाले आजाद प्रत्याशी रमेश खत्री ने डाली थी। याचिका में आरोप लगाए गए थे कि मुख्यमंत्री ने चुनाव में प्रशासनिक अमले का दुरुपयोग किया है। 2019 में चुनाव के दौरान रमेश खत्री ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल पर सत्ता के प्रभाव में वोटिंग के दौरान गड़बड़ी किए जाने के भी आरोप लगाए थे। याचिका दायर की थी उन्होंने बकायदा और आरोप लगाए थे ये सभी। याचिका दाखिल करते हुए निर्दलीय उम्मीदवार रहे रमेश खत्री ने हाईकोर्ट को बताया था कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जनप्रतिनिधि अधिनियम के तहत ये चुनाव नहीं लड़ा, इसलिए उनका निर्वाचन रद्द किया जाए, ऐसी उन्होंने मांग की थी। साथ ही अगले 6 साल तक चुनाव लड़ने पर भी रोक लगाने की अपील की गई थी। लेकिन अब हाईकोर्ट ने केस से जुड़े सभी तथ्यों की जांच पड़ताल के बाद याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट की ओर से कहा गया कि याचिकाकर्ता की ओर से जो भी सबूत पेश किए गए हैं वो आरोपों की पुष्टि नहीं करते, यानी वो जो आरोप लगाए गए थे मुख्यमंत्री के खिलाफ वो सरासर गलत है। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी ही तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहे न्यूज ब्रॉडकास्ट 24। नमस्कार।